तो सुहे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हुए कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग को देख सकर मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए दोस्त, जैसे कि मैं बता दूँ कि अभी मैं अपना गांव आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा तो गया में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो हम लोग अभी गांव आए हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं, अपना गाँव घुमाते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ खेलते हैं, जहाँ बैठते हैं, आप लोग को वहाँ दिखाते हैं। चलिए, तो इससे पहले मैं आप लोगों के कहना चाहता हूँ दोस्त, यदि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसे कि मैं बता दूँ दोस्त कि हम जहाँ भी वीडियो शूट कर रहे हैं वो अभी सरसों के खेत है, क्योंकि आपको पीछे का ग्राउंड अच्छी दिख रही होगी। अभी गेहूँ लगने का फसल का टाइम है, गेहूँ लगने का, आलू लगने का, सारे खेत में गेहूँ और आलू लगा हुआ है। चलिए आप लोग ले चलते हैं जहाँ हम क्रिकेट खेलते हैं, बैठते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ क्रिकेट खेलते हैं बहुत बड़ी ग्राउंड है, उस ग्राउंड को मैं आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए धीरे धीरे आप लोग को ले चलते हैं। और यह रह गई हमारा सुंदर सा गांव, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में दोस्त। हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। अभी गेहूं लगा हुआ है, क्योंकि गेहूं का लगने का समय है, और इस पाइप से पानी जा रहा है जो भी खेत पट रहा है, तो वहां पे मोटर लगा हुआ है, शायद अभी मोटर लगा हुआ है, इसी मोटर से पानी जा रहा है और खेत की सिंचाई हो रही है, यानी खेत पट रहा है। हम लोग इसी रास्ते से जाते हैं हम लोग खेलने, तो अभी चलिए आप लोग वहाँ ले चलते हैं और मैं आप लोग को दिखाऊँगा। और ये रह गई हमारा पेड़, आम का पेड़, बहुत सुंदर सा पेड़ है, बहुत फल देता है गर्मी का मौसम में। अभी ठंड का मौसम है तो हम लोग सुबह सुबह उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे आग लहरा कर हम लोग सेकते हैं, आग के सकते हैं, ताकि ठंड लगती है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं तो आग लहरा कर सकते हैं। ये रह गई जगह, क्योंकि आपको थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा, तो हम लोग यहीं पर आकर देखते हैं, यहीं पर आकर बैठते हैं, थोड़ा आराम भी करते हैं। तो चलिए आप लोग धीरे पहुँच गए हैं, अपने फील्ड पर पहुँच गए हैं, और आपको देखिए कितनी खूबसूरत लग रही होगी खाली खाली जगह। ये जो मेरे दोस्त जा रहे हैं, एक दोस्त का नाम है नीतीश कुमार यादव जी, एक का नाम है मनु कुमार यादव जी, वो है इनका राम रह गया गौतम कुमार यादव जी। कि हम लोग फाइनली अपने ग्राउंड पर आ गए हैं, हम लोग फाइनली नदी पर पहुँच गए हैं। और चलिए हम लोग जहाँ क्रिकेट खेलते हैं वहाँ आप लोग को दिखाते हैं। ऐसे तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हुआ, तो जैसे कि मैं बता दूँ दोस्त कि ये मेरा भाई हो गया, इनको नाम है ऋषि कुमार यादव जी। तो चलिए हम लोग थोड़ा पीच को देखते हैं और पीच को थोड़ा देख लीजिए दोस्त, यही हमारा ग्राउंड है जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, और ये बहुत बड़ी ग्राउंड है, तो आप लोग को धीरे धीरे दिखा देते हैं। ये जो हमारे देखिए दोस्त, हमारे भाई लोग, हमारे चाचा जी भी हैं, एक हैं जो आग लहरा कर ताप रहे हैं, क्योंकि ठंड का समय है, तो आग का मज़ा ले रहे हैं। और देख लीजिए, शायद इसमें आलू और परम भी शायद पक रहा है। तो जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे लोग सुबह सुबह दौड़ने आते हैं, और ये उन्हीं भैया लोगों ने गड़े हैं, बड़े बड़े भैया लोग गड़े हैं, यहाँ पे लोग आते हैं तो लटकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। पीच पर पहुँच गए हैं, अपने ग्राउंड पर पहुँच गए हैं, जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पहुँच गए हैं, और उस जहाँ क्रिकेट खेलते हैं, चलिए उस जगह को, उस पीच को दिखाते हैं। तो चलिए धीरे धीरे कैमरा को आगे लाइए, और यह रह गई दृश्य जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और मैं बता दूं दोस्त कि गांव तो गांव होती है, क्योंकि खूबसूरत गांव होती है, क्योंकि हम लोग गांव के हैं दोस्त, तो गांव से ही रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, गांव से ही रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। तो आप धीरे धीरे, स्ट्राइक हो गया जो इधर के टाइप होती है, जिधर से बॉलिंग कराते हैं हम लोग, इधर से बॉल फेंकते हैं हम लोग, इधर से बॉल फेंकते हैं और वहाँ से बैटिंग करते हैं, जो हम लोग विकेट गढ़ते हैं उस साइड विकेट गढ़ते हैं। और ये रह गई पत्थर, और इसी यहीं से बॉलिंग करते हैं, शायद यहाँ पे बॉलिंग करने से शायद थोड़ा थोड़ा मिट्टी कोड़ा गया है, यानी मिट्टी उखाड़ गई है। और चलिए धीरे धीरे आप लोग ले चलते हैं जहाँ हम लोग विकेट गढ़ते हैं, तो विकेट उस साइड गढ़ते हैं। और ये हमारे रह गए निरंजन सर जी, शायद इनका अभी छुट्टी है स्कूल में, ये हमारे टीचर हो गए हैं, हमारे बड़े भैया हो गए हैं, तो ये अभी स्कूल गए थे, शायद इनका अभी होम ट्यूशन से भी पढ़ा, बच्चे को पढ़ा कर आ रहे हैं, क्योंकि शायद लॉकडाउन तो लग गया है, तो स्कूल में सारा स्कूल तो बंद हो गया है ना। हाँ, अभी तो बंद ही चल रहा है। हाँ, तो इसी वजह से अभी हम लोग यहाँ पे रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, तो आज क्रिकेट नहीं खेले हैं, क्योंकि आज हम लोग शनिवार दिन था, तो आज हम लोग बाज़ार गए थे, थोड़ा बाज़ार घूमने गए थे, तो आज क्रिकेट खेल नहीं पाए हम लोग। उस दिन का भी वीडियो बनाकर आप लोग को दिखाएंगे जिस दिन हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। चलिए, हल रहे हैं, आज हम लोग क्रिकेट नहीं खेले हैं, और यही रह गई हम लोगों का पिच। आप
आइए, कैमरा को लेकर आइए और हम लोग इसी पिच पे क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग यही क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं बता दूँ कि जैसे कि मैं बता दूँ दोस्त कि हम लोग का गांव, जो हम लोग के गांव है वो धारहर नदी के किनारे बसा हुआ है। अरे मैं बता दूँ जो हम लोग का गांव है वो धारहर नदी के किनारे बसा हुआ है। जो आप लोग पीछे का ग्राउंड देख रहे होंगे, शायद आप लोग के थोड़ी थोड़ी नदी दिखाई दे रही है, तो यही रह गई नदी। तो थोड़ा मिट्टी और बालू एक है, तो शायद इसमें बॉल उतना नहीं उछल पाता था। तो हम लोग यहाँ क्या किए कि यहाँ मिट्टी गिराएँ, 5 से 6 गाड़ी मिट्टी गिराएँ। उसके बाद मिट्टी गिराने के बाद हम लोग यहाँ पे पिच को बैठाएँ, उसके बाद हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। और ये रह गई ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड रह गई जो चारों दिशाओं में है। तो चारों दिशाओं में धीरे धीरे रोटेट करके दिखा दो। देख लीजिए कितनी खूबसूरत हमारी गांव लग रही है। और ये जो आपको यहाँ से हम लोग बैटिंग करते हैं, और ये रह गई बैटिंग करने की जगह, शायद हम लोग यहाँ पे बैटिंग करते हैं तो बल्ला यहाँ पे रखने से एक गहरा टाइप हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे एक ही जगह पर बार बार चीज़ को पटकने से वहाँ पे क्या बोलते हैं, मिट्टी उखाड़ गई है और विकेट गड़ाती है। देख लीजिए मिट्टी, थोड़ा हम लोग यहाँ पे मिट्टी रख दिए हैं और यहाँ पे विकेट गड़ाता है। और यहीं से हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। और वे साइड तो गेहूँ लगा हुआ है, क्योंकि वे साइड थोड़ा छोटी सी ग्राउंड है, तो अगर गेहूँ में गेंद जाती है तो वहाँ हम लोग का नियम है कि गेहूँ में मारने से, गेंद को गेहूँ में मारने से उसको 2 रन दिया जाएगा। और बाकी ये साइड बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छा है साइड। इसी साइड थोड़ा प्रॉब्लम होती है, गेंद अगर गेहूँ में चल जाता है तो शायद जिनका गेहूँ लगा हुआ है वो बोलते हैं। तो चलिए दोस्त, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए अगर हमारे चैनल। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में।